हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने पार्ट ए के क्वेश्चन तो देख लिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो भी यूनिट थे सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए, आपने उस अच्छे से उस वीडियो को देख लिया होगा। नहीं देखा है अभी तक तो जरूर देख लें। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको सारे क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से रिलेटेड है। तो जो पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, उससे रिलेटेड भी 5-6 यूनिट्स आ रहे हैं, जिसमें कि एक पाइथन का जो यूनिट है वो हट गया है। उसके अलावा बाकी यूनिट्स है जो भी क्वेश्चन है उसको हम आज देखेंगे, और यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन में सजेस्ट करें। बट इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। साथ ही AI के सैम्पल पेपर्स को भी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रह जाए, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ। स्क्रीन में देखते हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड स्टूडेंट जल्दी से आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी सारे यूनिट है उससे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने पहले भी बताया है कुछ वीडियो में, लेकिन आज फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सारे चैप्टर से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया लास्ट वीडियो में। अब देखते हैं कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के यूनिट है उससे कैसे क्वेश्चन आने वाले। तो जो पहला चैप्टर है उससे आपके मार्क्स के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके इंट्रोडक्शन टू AI से आने वाला है। सेकंड उसके बाद है आपका AI प्रोजेक्ट साइकिल, जिससे 9 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एडवांस पाइथन है जो कि स्किप्ड है, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी असेसमेंट इसमें प्रैक्टिकल में हो चुकी है। देन आपका आता है डेटा साइंस, जो कि उसमें आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर आपका कंप्यूटर विजन, उसमें भी आएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड देन है NLP एंड देन है इवैल्यूएशन। तो ये हो गया 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन। ये टोटल आपके आ जाएंगे 40 मार्क्स के क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब देखते हैं जल्दी से कि यूनिट वाइज क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ इंट्रोडक्शन टू AI, जो कि यूनिट 1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज AI, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज AI, सबसे पहला क्वेश्चन है। एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग यानी कि जो नॉर्मल हम लोग कंप्यूटिंग करते हैं, उससे AI में क्या डिफरेंस है, क्यों हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बार बार जा रहे हैं। तो उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में आप अच्छा सा लिख सकते हो कि ये एप्लीकेशन जिससे मुझे मदद मिलती है, फास्ट है। तो इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन AI एप्लीकेशन। AI एप्लीकेशन में मशीन लर्निंग का क्या रोल है। How does NLP natural language processing enable AI system to understand human language? तो human language को generate करने में, समझने में NLP का क्या role है। तो obviously NLP का बहुत बड़ा role है, क्योंकि robot के साथ interaction या machine interaction तभी possible है क्योंकि NLP है। ठीक है, तो ये आप discuss कर सकते हैं by giving some examples. Role of computer vision in AI including application in image recognition and object detection. ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही क्लास में कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इमेज एनालिसिस के जो एप्लीकेशन होते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो। इसमें जनरली एग्जाम्पल्स ही आते हैं, उनका क्या रोल है AI में ये पूछा जा सकता है। सम मिसकंसेप्शन एंड मिथ अबाउट AI के बारे में, जो मिथ है या फिर कोई भी अफवाह या कुछ लोगों की ऐसी धारणा या सोच है जो कि गलत आपको लगती है, तो आप लिख सकते हो। जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी, एडवाइस करूंगी कि आप ये लिख सकते हो कि जो लोग कहते हैं कि AI इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड, इसमें अभी 100% कोई कंफर्मेशन नहीं है कि AI विल डिस्ट्रॉय, बिकॉज जब तक ह्यूमन है तभी तक AI है। ह्यूमन ने ही AI को बनाया है, AI को चलाने के लिए, AI को प्रोग्रेस कराने के लिए, AI को यूज करने के लिए भी ह्यूमन बींग की जरूरत है। तो AI पूरी तरीके से ह्यूमन बींग को रिप्लेस कर देगा, ये टोटली एक मिथ है, मिसकंसेप्शन है लोगों का। तो ये आप डिस्कस कर सकते हो। Then the next question is how AI can be applied to solve real world problems in areas such as healthcare, finance and transportation. तो ये सारी चीज़ों में, ये सारे फील्ड में किस तरीके से AI apply हो सकता है, AI का क्या रोल है, ये आपको डिस्कस करना होगा। यहाँ पर यूनिट AI प्रोजेक्ट साइकिल, जिसमें कैसे क्वेश्चन होंगे। What is AI प्रोजेक्ट साइकिल, सबसे पहला क्वेश्चन है AI प्रोजेक्ट साइकिल है क्या, डेवलपमेंट में इसका इंपॉर्टेंस क्या है AI solutions के लिए, क्या स्टेजेस हैं, स्टेजेस हम पढ़ ही चुके हैं, 5 स्टेजेस ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल, ये आ सकता है। फ्रॉम प्लानिंग टू डिप्लॉयमेंट, प्लानिंग टू डिप्लॉयमेंट मतलब कि प्रॉब्लम स्कोपिंग से लेकर के आपके इवैल्यूएशन तक के सारे स्टेजेस आपको डिस्कस करने हैं। रोल ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड स्कोपिंग इन इनिशियल स्टेज ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग का इनिशियल स्टेज और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का जो इनिशियल स्टेज है उसका क्या रोल है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो। बेसिकली प्रॉब्लम स्कोपिंग फर्स्ट फेज को आपको डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन इन AI प्रोजेक्ट साइकिल, डेटा कलेक्शन किस फेज में होता है, डेटा एक्विजिशन सेकेंड फेज में, तो उसका क्या रोल है, क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके से अगर गलत डेटा मिला तो हम बायस हो सकते हैं, AI मॉडल अच्छे से डेवलप नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन इनटू रियल वर्ल्ड सिस्टम। मॉडल डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन, रियल वर्ल्ड में मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि इवैल्यूएशन के बाद का फेज जब रियल वर्ल्ड में मॉडल को लॉन्च किया जाता है तो उस फेज में हमें क्या चीज का ध्यान रखना होता है, इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। स्टूडेंट नेक्स्ट यूनिट 4 आ गया, यूनिट 3 मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो एडवांस पाइथन था जिससे क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो यूनिट 3 का कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। यूनिट 4 जो है डेटा साइंस, डेटा साइंस के क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से रहेंगे कि व्हाट इज डेटा साइंस, सबसे पहले इसका रोल क्या है एआई से रिलेटेड, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एग्जांपल के साथ आपको बताना है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मैंने पहले ही बता दिया आपको क्लास में, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, डेटा विजुअलाइजेशन किस फेज में होता है, डेटा विजुअलाइजेशन डेटा एक्सप्लोरेशन फेज में यानी थर्ड फेज में होता है, उसकी टेक्निक्स क्या है, तो डिफरेंट चार्ट्स डिस्कस किए थे मैंने, उन सारे चार्ट्स का एक्चुअली पूरा डिस्क्रिप्शन तो आपको नहीं याद करना है बट उनके नाम जरूर याद कर लेना, थोड़ा सा ब्रीफ ले लेना कि किस तरीके से वो डेटा विजुलाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इन डेटा साइंस, डेटा साइंस में मशीन लर्निंग का क्या रोल है, यानी कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है, रीएनफोर्समेंट लर्निंग भी पढ़ लेना बिकॉज में पेनल्टी और रिवॉर्ड से रिलेटेड जो टास्क था जो कि जिसपे हम एआई मॉडल को और रीएनफोर्स करते थे और अच्छे से एआई मॉडल को परफॉर्म करने के लिए रेडी करते थे, तो वो सारी चीजें हो सकती है, पेनल्टी और रिवॉर्ड में क्या डिफरेंस है ये आ सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन इन डेटा साइंस, मॉडल इवैल्यूएशन और वैलिडेशन कैसे होता है आपको पता ही है, टेस्टिंग डेटा के थ्रू होता है और ट्रेनिंग डेटा के थ्रू होता है 80%, 20%, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे इस क्वेश्चन में। एंड देन आपका आ जाता है नेक्स्ट मॉडल इवैल्यूएशन और वैलिडेशन हो गया, उसके बाद आ गया डेटा साइंस कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अगेन फाइनेंस मार्केटिंग और हेल्थ केयर में कैसे इसका डेटा साइंस का क्या रोल है, तो उससे ये आपको पूरा बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर विजन में, जिसमें कि आपको डेफिनेशन आ सकती है कंप्यूटर विजन क्या है, कंप्यूटर विजन का रोल क्या है एआई से रिलेटेड, तो कंप्यूटर विजन का क्या रोल है, एआई से कैसे कनेक्ट कर पाता है कंप्यूटर विजन, वो आपको बताना है। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कंप्यूटर विजन की इन वेरियस एप्लीकेशन, जो मैंने पहले अभी बताया भी है कि इमेज रिकग्निशन में, फेशियल रिकग्निशन में, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, ये सारे की जो एप्लीकेशन है ना उनके नाम याद कर लेना जरूर से। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन इन कंप्यूटर विजन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और लोकलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि कैसे किसी इमेज की लोकलाइजेशन और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है कंप्यूटर विजन के थ्रू, ये टेक्निक कैसे डिटेक्ट होती है, जैसे गूगल में हमारे एआई बेस्ड गूगल सर्विस है तो किस तरीके से वो किसी ऑब्जेक्ट सर्च जब आप करते हो तो कैसे उसको लोकलाइज करता है और डिटेक्ट करके आपको करेक्ट पिक्चर दिखाता है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ डिस्कस करनी है, तो ये क्वेश्चन जरूर से पढ़ लेना। हाउ कैन कंप्यूटर विजन बी अप्लाइड इन ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड रोबोटिक्स, तो ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड रोबोटिक्स यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कंप्यूटर विजन का बहुत अच्छा रोल है, तो क्या रोल है ये आप एग्जाम्पल देकर डिस्कस कर सकते हो इस क्वेश्चन में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसके अलावा भी आप एमसीक्यू जरूर ध्यान दे देना, कुछ एग्जाम्पल पेपर्स पे जरूर ध्यान देना, सिर्फ इन सारे क्वेश्चन पे मत डिपेंड रहना। नेक्स्ट है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट 6, उसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज एनएलपी, सबसे पहले डेफिनेशन ऑब्वियसली तो आनी ही चाहिए, ये आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ना एनएलपी का, ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन, ये मैंने आपको क्लास में बताया स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन जो डिफरेंस है ये आ सकती है, इसके अलावा स्टेम और लेमा वर्ड को बाइफोकेट करके लिखने को भी आ सकता है, तो स्टेम वर्ड क्या होता है, लेमा वर्ड क्या होता है, ये आप देख लेना। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएलपी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट में एनएलपी का क्या गोल है, क्यों एनएलपी को बार बार यहाँ लाया जा रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनएलपी इन वेरियस एप्लीकेशंस लाइक मशीन ट्रांसलेशन, चैटबॉट्स, सेंटिमेंट एनालिसिस में एनएलपी का क्या रोल है, एनएलपी का तो सबसे बड़ा रोल है क्योंकि एनएलपी नहीं होगा तो ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा, तो इस तरीके से आप इसके एप्लीकेशंस को पढ़ सकते हो और उसको डिस्कस करने का देख लेना। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं स्टूडेंट, ये जरूर पढ़ लेना, और मैं आपको बताने वाली थी कि किस तरीके से दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो कि अगर आप कर लोगे तो आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं गए, एआई के पेपर में 8 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, तो सब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पे दिया है, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। तो सबसे पहला टर्म है ये आपका TF-IDF, जो मैंने क्लास में बताया था, टर्म फ्रिक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी, फिर है कॉर्पस, उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, देन है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, तो ये सारी टेक्निक्स की डेफिनेशन जरूर से पढ़ लेना, फॉर्मूलाज देख लेना TF-IDF का, सॉल्व करने को नहीं आएगा TF-IDF,
क्योंकि वो लॉग टेबल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल जरूर आएगा जो कि आपका है 100% आना ही आना है। ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो कि आपको जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप कर लोगे तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए, 4 मार्क्स तो आपको मिलने ही वाले हैं 100% आपके। तो 4 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए स्टूडेंट, आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे। अब एनएलपी के क्वेश्चंस आपको आई होप समझ में आ गए होंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इवैल्यूएशन, जो कि लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पार्ट का, उसके में हमें पढ़ना है सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन असेसिंग द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एआई सिस्टम। तो इवैल्यूएशन का क्या रोल है एआई सिस्टम को या एआई मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए, कॉमन इवैल्यूएशन मैट्रिसेस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है 100% 4 मार्क्स का, वो है आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से, जिसमें कि एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की टेबल दी गई होगी और आपको F1 स्कोर, प्रेसीजन, रिकॉल कुछ दो निकालने को आ सकते हैं, कोई भी 2 मेथड या 3 मेथड आ सकते हैं जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव की वैल्यूज आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, तो वो सारे क्वेश्चन होंगे आपके 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। और ये भी अगेन आपका आएगा 4 मार्क्स में, यानी कि 8 मार्क्स के हैं एक NLP से क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, तो 100% फिक्स है। देन आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, ये पढ़ लेना क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायस एंड फेयरनेस, बायस एंड फेयरनेस का इंपॉर्टेंस क्या है इवैल्यूएशन में, क्योंकि AI इवैल्यूएशन में अगर हम बायस हो जाते हैं तो वो मशीन जो है प्रॉपरली काम नहीं करेगी। सो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस नेचर कैसे हो सकता है, मशीन को अनबायस कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेबिलिटी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी ऑफ AI मॉडल इवैल्यूएशन। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, किस तरीके से आप AI मॉडल की एक्सप्लेनेबिलिटी इंटरप्रेट करने का तरीका उसका क्या है और इसका क्या रोल है, ये आपको इसमें इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में ये आपको पढ़ना है। तो ये सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिए यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू AI से, कुछ क्वेश्चन AI प्रोजेक्ट साइकिल से, देन डेटा साइंस से, कंप्यूटर विजन से, NLP से एंड इवैल्यूएशन से। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, नोट डाउन कर लो, अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो और तैयारी करो। और स्टूडेंट मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ यही क्वेश्चंस पे डिपेंड मत करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आने वाले हैं जो मैंने लिखे हैं, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इससे आपको बिल्कुल हेल्प मिलने वाली है तैयारी करने में, लेकिन आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस के अलावा सैम्पल पेपर्स में बुक के MCQs को भी देख लेना, ताकि MCQ क्योंकि मैंने डिस्कस नहीं किए, मैंने जो भी क्वेश्चन लिखा है वो सब्जेक्टिव है और शॉर्ट आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, तो MCQs एक बार जरूर से देख लेना इन सारे क्वेश्चंस के अलावा भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले, तो जल्दी से अच्छे से तैयारी करो, पढ़ते रहो, सफल रहो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।